नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में जो कि है अपने कुछ रिजल्ट्स में आपके सामने पेश करना चाहूँगा। मेरा हेयर ट्रांसप्लांट जो कि है दोस्तों, एक जो कि 2016 में हुआ था, जो कि कुछ खास नहीं हुआ था। डोनर एरिया उन्होंने जो कि ख़राब कर दिया था, प्लस अच्छी खासी डेंसिटी नहीं मिली थी, और मेरे साथ जो कि एक फ्रॉड भी हुआ था, है ना। तो जो बताया गया था डॉक्टर ये रहेगा वो रहेगा, ऐसा जो कि है हुआ नहीं था। हेयर लाइन में जो कि बहुत ज़्यादा अननेचुरल बनी थी, और ये कुछ फ़ोटोज़ है इस प्रकार जो कि हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। और मुझे कहा गया था कि ये 2700 ग्राफ्स है, जो कि हार्डली 1500 या 1600 ग्राफ्स हो गया, ठीक है। सो क्योंकि 2016 में जो कि हेयर ट्रांसप्लांट की इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मैं ही एक ऐसा इकलौता यूट्यूबर था अपने इंडिया में जो सबसे पहले वीडियो बनाना शुरू किया था। और मेरे एक्सपीरियंस और यू नो मेरे एक्सपीरियंस से बहुत लोगों को गाइडेंस भी मिला, और हेयर ट्रांसप्लांट की जो अवेयरनेस है वो इंडिया में फैलना शुरू हो गई। तो मेरे वीडियोस द्वारा जो दोस्तों यही कोशिश करता हूँ कि जो सबसे बेहतर हो, जो सबसे जेन्यून हो, जो सबसे ऑथेंटिक हो, वही आप तक पहुँचे, वही इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचे, ताकि आपके पैसे भी बर्बाद ना हो और आपके जो हेयर ट्रांसप्लांट है वो सबसे बेहतर होना चाहिए, ठीक है। फिर 2016 के बाद जो कि दोस्तों हेयर ट्रांसप्लांट से जो कि अपना एक मन ही उठ गया था। फिर लेटर ऑन सोचा कि ये जो सेंटर पार्ट है मेरा, वहाँ पे जो कि है बाल जो कि है पतले होने लगे थे, जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था। और जेनेटिक हेयर लॉस का शिकार हूँ, तो पैटर्नल और मैटर्नल दोनों साइड से जो कि है जेनेटिक का शिकार हूँ मैं, तो बॉल्डनेस जो कि है काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुकी थी मेरी। तो मैंने जो कि डिसाइड किया कि मैं अपना सेकंड सेशन करवाना चाहूँगा, बट दिस टाइम जो भी क्लिनिक रहेगा वो काफ़ी ऑथेंटिक रहेगा, डॉक्टर काफ़ी स्किल्ड रहेगा, एक्सपीरियंस रहेगा, तभी जाके मैं अपने पैसे भी इन्वेस्ट करूँगा और ख़ुद को जो कि इन्वेस्ट करूँगा। और पैसों से ज़्यादा तो दोस्तों आपके होप्स रहते हैं, पैसे तो रिटर्न आ सकते हैं, बट आपके जो होप जाते हैं या फिर आपका डोनर एरिया जो वेस्ट होता है, उसकी कीमत जो कि दोस्तों कोई चुका नहीं सकता है, ठीक है। तो फिर मैंने बहुत ज़्यादा स्टडी की दोस्तों, और तभी जाके एक क्लिनिक से जो कि अपने सेकेंड हेयर ट्रांसप्लांट करवाया 2021 अगस्त मंथ में, ठीक है। तो ऑलमोस्ट जो कि दोस्तों ये आने वाले अगस्त में अपने को 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। सो 3 सालों में दोस्तों मैंने काफ़ी कुछ मेंटेन करना सीखा अपने बालों को, क्या अवॉइड करना है, क्या जो कि कंज्यूम करना है, वो चीज़ें सीखी मैंने। और सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि आपके बालों को टिकाना होगा तो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। कोई टैबलेट ले लो, कोई मल्टी विटामिन ले लो, कोई ये सारी चीज़ें ले लो, ये तो सेकेंडरी है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों आपको जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन का ख्याल रखना है। कोई भी ऑप्शन हो जिससे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ हो, वो चीज़ आपको जो कि दोस्तों आपकी हैबिट बनानी है। जैसे कि आपको, आप रात में सो रहे हो दोस्तों, तो किसी से बातचीत लड़ा रहे हो, फैमिली से या फिर अपने वाइफ से, तो 10-15 मिनट जो कि आपके ये जो फिंगर टिप्स है वो बालों में डाल लो और जो कि मसाज करते रहो एवरी डे। जो कि दोस्तों आप खड़े रहते हो दिन भर, काम करते रहते हो, यू नो ऑफिस में रहते हो, बैठे हुए रहते हो, तो बालों तक या फिर आपके स्कैल्प तक जो कि है ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो नहीं पाता है। जब आप रात में सोते हो तभी भी जो कि आप पिलो ले लेते हो, राइट, तकिया ले लेते हो, तो ब्लड सर्कुलेशन जो कि सिर्फ पीछे के साइड रहता है, इसलिए पीछे के बाल जो हमारे स्ट्रांग रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड ज़्यादा पहुँचता है बट यहाँ पर नहीं पहुँच पाता। सो बेटर है आप जो हेड स्टैंड करते हैं, यू नो शीर्षासन करते हैं, वो फॉलो करो, या फिर हेड की मसाज डेली आपको करनी है अगर आपको बाल टिकाने हैं तो। सेकेंडली फिर आप जो गीले बाल है उसको जो कि कॉम ना करे, थोड़ा सा ड्राई होने दे, यू नो अलग अलग हेयर स्टाइल बनाना रोके, बालों को परेशान करना रोके, ऐसी हेयर स्टाइल बना लो जिसमें जो कि आपको कम बालों में हाथ फेरना पड़े, कम बालों को टच करना पड़े, जाकि आपको ट्रैक्शनल एलोपेशिया ना हो और आप वापस से हेयर लाइन रिसीड होना स्टार्ट हो जाए। कई सारे लोगों की मैं हेयर स्टाइल देखता हूँ कि वो पीछे जो कि है पोनी स्टाइल जो कि बना के रखते हैं, जिससे जो कि यहाँ पे ट्रैक्शन आना शुरू हो जाता है और कुछ महीने बाद या कुछ सालों बाद जो कि यहाँ से हेयर लाइन उनका जाना स्टार्ट हो जाता है। पर ये लॉजिकल चीज़ें रहती है, टेम्प्ररी रख रहे हो 2-4 महीने के लिए, दैट इज़ फाइन, बट आप ये परमानेंट रख रहे हो तो उसका जो कि आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे, ठीक है। सेकेंडली जो कि दोस्तों बालों को ऑयलिंग जो कि है 2 ही दिन जो कि ओवरनाइट करनी है हफ्ते में, यू नो आप डेली बालों को ओवर ऑयलिंग कर रहे हो जिससे धूल मिट्टी चिपक रही है आपको दिन में, और जिससे जो कि है बालों में डैमेज हो रहा है, रूट ख़राब हो रहा है आपके बालों के, वो भी आपको ख्याल रखना है। वीक में जब भी आप ऑयलिंग करोगे उसी दौरान सुबह जो कि आपको शैम्पू यूज़ करना है, दैट इज़ 2 टाइम्स अ वीक। ज़्यादा शैम्पूइंग करोगे तो केमिकल और यू नो ढेर सारे पैराबिन वगैरह का जो कि है साइड इफ़ेक्ट्स होता है, बाल पतले होना स्टार्ट हो जाते हैं, स्कैल्प विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है, इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है।
फिर दोस्तों डाइट में अच्छी चीज़ें ले, ज़्यादा स्पाइसी ज़्यादा ऑयली चीज़ें ना ले, जंक फूड जो कि अवॉइड करें, अजीनोमोटो भी जो कि आपके बालों को हैम्पर करता है, आपके ब्लड को हैम्पर करता है, तो ये जो आर्टिफिशियल कलर्स रहते हैं वो भी आपके बालों को या फिर आपके ओवरऑल जो ब्लड को हैम्पर करता है, सो इनडायरेक्टली आपके बालों को भी और स्किन को भी हैम्पर करने वाला है। सो ब्लड में ऐसी कोई मिलावट ना हो जैसे आपके बालों को या स्किन को फ़र्क पड़े, ठीक है। तो दोस्तों यही छोटी छोटी टिप्स आपको जो कि है मैं अपने वीडियोस द्वारा देते रहता हूँ, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में बताते रहता हूँ, कोई कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस या फिर कोई ऐसी बड़ी केमिकल लैंग्वेज या ऐसी यू नो मेडिकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करता हूँ। तो ऐसी वीडियोस आपको फ्यूचर में भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए येस, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। वीडियो के एंड में जो कि थोड़े से मैंने शॉर्ट्स लिए हुए हेयर स्टाइल हेयर कॉम करने का, अब मेरा कर्ली हेयर है तो सुबह जब नहा के यू नो बाहर आता हूँ तभी जाके थोड़े से स्ट्रेट रहते हैं, सो मैं कभी कभी कॉम कर लेता हूँ, अदरवाइज़ जब बाल धोके हो जाते तो मैं जस्ट ऐसे ही जो कि बना के रख देता हूँ। आई डू नॉट टच माई हेयर अलॉट, दैट्स अ मेन रीज़न कि जहाँ पे मेरा हेयर फॉल हार्डली दो चार बाल गिरते हैं दिन के, दैट इज़ वेरी मच नॉर्मल। बट आप सोच रहे हो कि 100-200 बाल गिर रहे हैं, सो इट्स एब नॉर्मल, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज, और बने रहिए।